So finally, I made this outfit, top and skirt set from my that really not so good looking kurta. Few months back, मैंने जो है मीशो कुर्ती हॉल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसका बैनर कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें से मैंने ये वाली जो कुर्ती है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि इसकी स्टिचिंग एंड फिनिशिंग, इसका लुक जो है वो मुझ पर अच्छा नहीं लगा था. ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छी दिखने वाली चीज़ आप पे भी अच्छी लगे, तो वही रूल मेरे पर एप्लीकेबल हो गया. थोड़ा सा जजमेंट में मेरे से मिसकैलकुलेशन हो गया, एंड ये कुर्ती ना लिटरली मेरे पर ऐसा लग रहा था कि मैंने 100 किलो अपने ऊपर पुट ऑन कर लिया है. तो मैंने फाइनली इसको लाइक रिक्रिएट करने की सोची, एंड देन फाइनली पहना ना, तो ट्रायल में ही इसका जो ये योक वाला जो पार्ट था ना, इसको ये जो लेस वाला जो डिटेलिंग था वो 2 parts में डिवाइड हो गया. देन आई थॉट कि लाइक इसको मैं वापस से रीडिज़ाइन करती हूँ या शायद रिटर्न कर देती हूँ. तो रिटर्न करने का ऑप्शन तो मेरे पास ख़त्म हो चुका था, क्योंकि 7 days ओवर हो गए थे. 7 days के बाद आप मीशो में रिटर्न नहीं कर सकते. ये वाले कुर्ते को मैंने सोचा कि रीडिज़ाइन ऑफकोर्स मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे स्टिचिंग रीडिज़ाइन एंड रीयूज़ करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तरह तरह के आउटफिट अपने लिए क्रिएट करना, अपने हिसाब से डिज़ाइन करना बहुत अच्छा लगता है. तो मैंने यही सोचा. तो इसका जो योक वाला पार्ट था ना, इसको मैंने इस तरीके से 2 parts में डिवाइड कर दिया, कट करके. देन मैंने सोचा नीचे वाला जो पार्ट है, जो यहाँ से होता है, तो उसको मैंने स्कर्ट बना लेती हूँ. सिंपली उसमें अटैच करना है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी. बट मैंने इसको सिंपली अच्छे से अलग किया, एंड देन जो ऊपर वाला पार्ट भी मेरा वेस्ट ना हो जाए. और मुझे ए लाइन कुर्ती इसकी नहीं बनानी थी, तो मैंने क्या किया ना, इसको रेक्टेंगल 1 meter कपड़े को ही मैंने डिवाइड कर लिया 2 parts में एंड अटैच कर दिया. तो इट टर्न आउट टू बी रियली गुड कुर्ता. स्ट्रेट है, स्ट्रेट फिट है इसका. और तो मैंने इसका ना स्लिट जो है वो बहुत लंबा कर दिया. ये जो है ना, मैंने स्ट्रेट फिट कुर्ता इसका बना लिया, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे. फाइनली आप देख सकते हो ये इस तरीके से. और क्योंकि मेरी जो है पियर शेप बॉडी है, तो स्ट्रेट फिट कुर्ता मेरे पे बहुत अच्छी फिटिंग नहीं देता है. तो इस वजह से मैंने जो इसका स्लिट्स है ना, वो काफ़ी हाई रखा है, क्योंकि एनीवेज मैं इसको हाई वेस्टेड डेनिम्स के साथ या फिर स्कर्ट के साथ ही पेयर करने वाली हूँ. तो इट विल लुक वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटिफुल. तो ये जो है, मैंने ये जो स्लिट है आप देख सकते हो, ये जो योक के पार्ट है ना, उसके पास से ये सिर्फ इतना सा है, तो ये एक बत्ते जैसा ही है. एंड देन उसके बाद ये नीचे स्कर्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, लाइक नीचे का जो पार्ट है, सॉरी, ये कुर्ते का जो नीचे का पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है. तो ये लॉन्ग स्लिट वाली कुर्ती है, इसको मैं डेनिम्स के साथ भी पेयर करूँगी तो भी बहुत अच्छा लगेगा. एंड यस, इसका जो योक के पार्ट है ना, पास है ना, ये चिकन वाला जो वर्क है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था. और मुझे बिल्कुल भी ये वेस्ट नहीं करना था. पहले मैंने सोचा कि नीचे वाला जो फ्लेयर था ना, उसमें 8 meter फैब्रिक था, तो पहले मैंने सोचा इसको निकालती हूँ, फिर मुझे इसका डिज़ाइन डिस्टर्ब नहीं करना था, क्योंकि मुझे वो अटैच करके, उसमें लाइक फ्लेयर किस तरीके से बनाना है वो मुझे नहीं आता था बहुत अच्छा. तो मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, मुझे डर लग रहा था. बट फाइनली मैंने सब कुछ एक एक इसकी जो सिलाई है ना, उसे निकाला, एंड देन उसके बाद उसमें से 1 meter फैब्रिक लिया. मार्केट से मैंने फैब्रिक इसलिए परचेज़ नहीं किया, क्योंकि एक तो मुझे मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल रहा था, एंड सेकेंड थिंग मुझे मैचिंग फैब्रिक नहीं मिलता. तो इस वजह से मैंने इसी से 1 meter फैब्रिक अटैच लाइक कट करके निकाला, एंड देन इसमें अटैच कर दिया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा. फाइनल लुक काफ़ी कूल एंड समरी वाली जो फीलिंग है इसकी आ रही है. तो ये कुर्ते का जो फाइनल लुक है, मुझे बहुत अच्छा लगा. जो लेस डिटेलिंग यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये लेस मैंने अलग से अटैच किया है, लाइक आगे एंड पीछे दोनों साइड मैंने अटैच कर दिया है, ताकि इसमें थोड़ी सी भी स्टिचिंग में ऊपर नीचे हो जाए ना, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ, बट स्टिल आई लाइक DIYs. तो इसीलिए मैंने इसमें अटैच किया, एंड फाइनली इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है. हाई स्लिटेड कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है. देन कमिंग टू द स्कर्ट पार्ट, तो स्कर्ट भी जो है मैंने इस तरीके से चुंदट वाला काफ़ी अच्छा बना लिया. काम चला हुआ है, बहुत अच्छा नहीं है. इसको मैं कोशिश करूँगी कि टेलर को देके वापस से रीडू करवाऊँ. तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें मैंने लेस डिटेलिंग वापस से देकर के जो फ्लॉज थे उसे हाइड करने की पूरी तरह से कोशिश करी, जो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाई. बट स्टिल इसमें अभी भी 7 meter का जो घेर है वो अभी भी है, और ये स्कर्ट काफ़ी अच्छा लगता है. दोनों का कॉम्बिनेशन ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा निकल कर आया. पर इसमें थोड़ी सी एक और प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि स्कर्ट और ये जो टॉप है, इसमें बहुत ज़्यादा बिजी प्रिंट्स हो गया है. लाइक इसमें अगर आपने नोटिस किया होगा, तो फ्रंट पार्ट जो इसका ड्रेस था उसमें प्लेन था, एंड देन नीचे सिर्फ था ना उसमें प्रिंट था. तो ये वाला जो प्रिंट है इसमें, क्योंकि मैंने जो ये वाला कुर्ता डिज़ाइन कर दिया, तो ऊपर भी प्रिंट आ गया एंड नीचे भी, तो काफ़ी बॉक्स टाइप की फीलिंग मुझे दे रहा था. एंड देन
नेक में भी लाइक ये यहाँ तक बंद है एंड देन फुल स्लीव्स है, नीचे भी स्कर्ट है, तो बहुत ज़्यादा बॉक्स टाइप का आई मीन टेंट वाले जो इफेक्ट है ना वो मुझे आ रहा था। तो मैंने क्या किया ना, इसको मैं कभी भी साथ में पेयर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लुक बुक क्रिएट करना था एंड फाइनल लुक दिखाना था, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर इस तरीके से दिखाया। बट मैं इस कुर्ते को अलग से ही पेयर करने वाली हूँ एंड इसका जो स्कर्ट पार्ट है उसको डिफरेंट लाइक डेनिम्स के साथ, क्रॉप टॉप्स के साथ, टॉप्स के साथ, कुर्तीज़ के साथ मैं पेयर अप करने वाली हूँ। बस वाइट कुर्तीज़ के भी अच्छे खासे कलेक्शन है, तो चिकनकारी कुर्ती के साथ तो ये अमेजिंग लगने वाला है क्योंकि दोनों ट्रेडिशनल लाइक एक ट्रेडिशनल जो है वो चिकनकारी वर्क है, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो है एंड एक ये बहुत ही अच्छा सा ट्रेडिशनल हमारा जो है प्रिंट वर्क है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। लुक बुक्स आपको देखने हैं तो डेफिनेटली गो अहेड एंड फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम ऑल्सो, यू हैव टू जस्ट सर्च डियरली दीप्ति इन इंस्टाग्राम एंड यू विल फाइंड मी देयर। तो उसके जितने भी लुक बुक इससे रिलेटेड है ना वो मैंने उसके रील्स, इसके फोटोज़, इसके जो बिहाइंड द सीन्स वाले जितने भी मैं ट्राई करती हूँ तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर ऑल्सो। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप मेरा आज का वीडियो जो रिक्रिएटेड लुक है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप बिना किसी कंजूसी के। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो एंड अपने नियर एंड डियर के संग मेरे चैनल को फॉरवर्ड करना या इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उनसे भी जो है कुछ नया सीखने को या देखने को मिले। देन येस, चलिए मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, अपने अगले वीडियो में। नोटिफिकेशन बेल जो है ना वो अभी तक प्रेस नहीं किया है ना तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन प्रेस करोगे ना तभी मेरे न्यू वीडियो का अपलोड अपडेट आपको आता रहेगा। तो येस, जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी ब्यूटीफुल, बी सेफ, बाय बाय।